आपका स्वागत है सर आज सुबह टाइम्स में। आज किस तरह का प्रोग्राम है सर वजीराबाद में? आज वजीराबाद में हमारे जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई मोहन गोयल जी और मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई सुधीर त्यागी जी का आज स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है और संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस गति से आगे ले जाना है और किन किन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है जिससे यहाँ पे हम आने वाले समय में आने वाले टाइम में एक नई गति दे सकें और आने वाले निगम के चुनाव में विजय हासिल कर सकें। इस तरह की चीज़ों को लेके हमारी दिन प्रतिदिन रोज नए नए कार्यक्रम होते हो रहे हैं। आज विशेष रूप से जो मीटिंग है वो आज मीटिंग है एक तरह का स्वागत की जी, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का स्वागत का कार्यक्रम आज होने जा रहा है जी। तो मोहन गोयल जी जिस तरह से बीजेपी में रहकर वो बहुत तपस्याबीन है और बहुत ही तपस्यावान है, इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं कि उनका जीवन ही जो है आज जो है बीतता जा रहा है और इसी में जो है बीजेपी के तौर पर वो हमेशा खड़े रहे और कंधों से कंधा मिला के चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, ये उनका एक अलग जो है जुनून दिखाई दिया है इसे मतलब अपने क्षेत्र के लोगों में, तो इस इनके लेकर आप क्या प्रशंसा करना चाहते हैं सर? हमारे क्षेत्र के लोगों में जुनून का कारण तो यह है क्योंकि वो भी इस वार्ड से मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जैसा मैं रहा हूँ ऐसे वो भी रहे हैं हमारे से, और बचपन से ही शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पहुँचने और उसको लाभ तक पहुँचाना, उसको मुख्य धारा में शामिल करना, इसी गति से भीमसेन शर्मा जी से भी जरूरत है, कृपया मंच पे आ जाए अपना स्थान ग्रहण कर लें, और भाई बिरजू त्यागी जी से भी जरूरत है कृपया मंच पे आ जाए और अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज बड़े हर्ष का विषय है, जो मंडल अध्यक्ष हैं सुधीर त्यागी जी और हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मोहन गोयल जी का स्वागत करें। भाजपा के लगातार की हर तरीके से हमने अपनी भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, हमारी जो भाजपा की पूरी टीम थी, सबने जनता की सेवा में अपना योगदान दिया। नहीं हमने सैनिटाइजर बांटे, नहीं हमने काढ़ा बांटा, नहीं हमने मास्क बांटे, जो भी सेवा हम कर सकते थे, नहीं हमने खाने का सामान बांटा, जो भी मेडिकल सुविधाएं हम अवेलेबल करा सकते थे, इस तरीके से हमने सेवा सप्ताह में सबको सेवा का मौका दिया और सबकी सेवाएं की। उसके बाद में अभी तीन दिन पहले ही हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी मनाई और उसको भी हमने हर जगह हर क्षेत्र में जा जाके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिन्होंने अपने जीवन के 35 साल भाजपा को समर्पित किए, लोगों को समर्पित किए, समाज सेवा में समर्पित किए, और मंच पर आते ही हमारे मृदु त्यागी जी, भीमसेन जी, दीपक भाई, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा भी मंडूर भाई कह रहे थे, जी के नेतृत्व में, बिट्टू भाई के नेतृत्व में, भैया सुधीर त्यागी के साथ, दीपक भैया के साथ, मृदुल भाई के साथ, भीम सिंह भाई के साथ, और जितने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं भाजपा के, इन सबको साथ लेके बस यही आश्वासन देना चाहूँगा कि तिमारपुर मंडल सर्वश्रेष्ठ मंडलों में आएगा और उत्तर पूर्वी जिला सर्वश्रेष्ठ जिलों में आएगा, ऐसे में काम करेंगे। बस भाइयों जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज चौधरी जी। जितने भी हमारे भाई, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित लोग सामने बैठे हैं, उनका सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप भी सब उतने ही सम्मान के पात्र हैं जितना इधर बैठे हुए लोग।
बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका। हमारे बीच में भाई योगेंद्र त्यागी जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो भी आए और दो शब्द उनके स्वागत में बोले। उत्तर पूर्व जिले के अध्यक्ष भाई मान गोयल जी, भाई सुरेंद्र बिट्टू जी, दीपक जी, मुकुल त्यागी जी और हमारे बीच में भाई सुधीर त्यागी जी जो नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्यों ये जो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है, उसी तरह हमें भी अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है मोहन गोयल जी के नेतृत्व में। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आज इस पार्टी में जो भी शामिल हो रहा है, जो भी रहा है, जो भी आए हैं उससे और साथियों हमें ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, बात अभी जोर से बोलिए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज हमारे यहाँ हमारे उत्तर पूर्वी जिला के हमारे बड़े भाई सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी और हमारे मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी एवं यहाँ पर बैठे हुए समस्त जितने भी हमारे मंच आसीन हैं वो सामने बैठे हुए मेरे देव तुल्य बंधुओं, साथियों, माताओं, बहनों, आज यहाँ पर जो इस सभा का आयोजन किया गया है ये हमारे जो पहली बार तिमारपुर विधानसभा में और वो भी तिमारपुर मंडल के अध्यक्ष रह चुके हमारे आयोजन का स्वागत किया जाए। साथियों भारतीय जनता पार्टी आज ना के लेकिन मोदी जी का एक व्यक्तित्व है, उनका एक करिश्मा है, मैं इस वक्त और ज़्यादा ना बोलते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मोहन गोयल जी और बिट्टू भाई और सुधीर त्यागी जी जैसे भी हमें आदेश करेंगे, जितने भी हमें कार्यकर्ता हैं हम सब उनके नेतृत्व में ये या जितने भी एक बहुत ही संगठित कार्यकर्ता है, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के लिए दिन रात करने वाले हैं, इनको जो भी आप कार्य देंगे ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और पार्टी को नई नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। साथियों यहाँ पर जो भी पहले हुआ है उसमें ना जाते हुए केवल हम भविष्य के लिए जो आने वाला एक साल है उसमें हमें ये देखना है कि पार्टी का सिंबल लेके भी जो भी हमारा भाई आएगा, कोई भी आए, वो हमारा प्रतिनिधि होगा, वो हमारा एक होगा नेता। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।